चुनावी दंगल में मायावती अकेले ठोकेंगी ताल। क्या ये एजेंडा बसपा को दिलाएगी जीत? बिना साथी के कैसे जिएगा हाथी? चुनावी अखाड़े में ना उतर कर किसको पहुंचाएंगी फायदा? अगले साल आम चुनाव होना है और इस चुनाव को लेकर राजनीतिक अखाड़ा बनकर तैयार है। इस अखाड़े में दो गठबंधन है, एक एनडीए और दूसरा INDIA। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ये साफ होता जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव गठबंधन की राजनीति के नाम रहेगा। लेकिन अब भी कुछ पार्टियां हैं जो अपना रुख साफ नहीं कर रही है। उन पार्टियों में सबसे चर्चित पार्टी है बसपा, जो अब तक एकला चलो की राह पर है। आखिर मायावती का इसके पीछे का एजेंडा क्या है? क्या है बसपा प्रमुख मायावती की मंशा? आम चुनाव में एकला चलो की राह पर क्यों है मायावती? क्या मायावती नहीं चाहती इंडिया की जीत? क्या एनडीए के खिलाफ जाने से डरती है मायावती? एकला चलो की राह उनके लिए फायदेमंद या नुकसानदायक? ये वही सवाल है जो राजनीतिक गलियारों में जोर पकड़ रही है। जिस शिद्दत से भाजपा से लड़ने के लिए बड़े बड़े विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जता रहे हैं कि भाजपा से अकेले लड़ना किसी एक अकेले पार्टी के बस में नहीं है। वैसे में बीएसपी प्रमुख कह रही है कि उनकी पार्टी किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होगी। ऐसे में इसके क्या मायने हैं, क्योंकि मायावती जानती है कि बिना सपोर्ट उनका जीतना नामुमकिन है। अब बीएसपी को लोकसभा चुनाव में व इससे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व तेलंगाना आदि राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी अकेले ही चुनाव लड़कर अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाना होगा। एक दूसरे के आमने सामने आने के लिए बड़ी बड़ी शक्तियां एकजुट हो रही है। वहीं हास्य पर आ चुकी बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती के एकला चलो के फैसले का क्या मतलब है? राजनीतिक गलियारों में हर कोई बसपा के इस कदम को अपने अपने नजरिए से देख रहा है। कोई आरोप दोहरा रहा है कि भाजपा की बी टीम बसपा नहीं चाहती कि इंडिया गठबंधन एनडीए को शिकस्त दे। बसपा सुप्रीमो द्वारा गठबंधन में ना शामिल होने की बात दोहराए जाने पर चर्चाओं में फिर ये कहा जाने लगा है कि सीबीआई और अन्य सरकारी एजेंसियों की जांच के डर से बसपा सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ मुखर नहीं होना चाहती। बहन जी मुस्लिम लोगों को खूब टिकट देकर इंडिया गठबंधन को कमजोर करने की रणनीति अपनाएगी। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि संभव ये भी है कि मायावती लोकसभा से एन वक्त पहले AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन कर इंडिया का वोट काट एनडीए की राह आसान कर दे। इन आरोप प्रत्यारोप में सच्चाई हो या ना हो, पर यह जरूर अनुमान लगाया जा सकता है कि बसपा का अकेले चुनाव लड़ना बेहद आत्मघाती कदम हो सकता है। भारतीय राजनीति में गठबंधन का सिलसिला नया नहीं है, लेकिन सत्तारूढ़ एनडीए के खिलाफ विपक्षियों का इंडिया गठबंधन कांग्रेस के समय इंदिरा गांधी के खिलाफ सत्ताधारी कांग्रेस बनाम ऑल की याद दिला रहा है। ये महाशक्तिशाली के विरुद्ध ताकत जुटाने के लिए एक दूसरे के धूर विरोधी शक्तियां भी एक दूसरे के साथ आ गई हैं। एक तरफ भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए, दूसरी तरफ भाजपा विरोधियों का इंडिया। लेकिन इन दो विकल्पों में से एक को भी ना चुनना मायावती के किस मंशा को दर्शाता है। अपने अस्तित्व की तलाश में जुटी बहुजन समाज पार्टी, ना कोई साथी चाहिए ना कोई साथ वाला फॉर्मूला चुनाव जीतने के लिए है, या फिर खुद को परेशानी से बचाने के लिए, ये एक बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, और ऐसे ही राजनीतिक खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।